कूद में गिर गई। चलो चलो देखिए कौन सबसे पहले फिनिश करेगा। चीनी पता है कितनी महंगी आती है, इसका एक एक कतरा कतरा कितना महंगा होता है। अगर एक टी-शर्ट होती आप सियान को पहना देते। हाँ बेटा टी-शर्ट पे क्या पता चलता है, बॉय गर्ल सब पहन लेते हैं। मम्मा। हाँ बेटा। मेरे को ना बॉडी लोशन चाहिए। हाँ मैं देती हूँ ना बेटा, ये लो मेरा बेटा बॉडी लोशन, बहुत जरूरी होता है। मम्मा पूरी बॉडी पे लगाने के लिए बस एक ड्रॉप? बेटा ये भी बहुत रहेगा, इसको अच्छे से स्प्रेड करके पूरी बॉडी पे लगाओ, पूरी बॉडी पे लग जाएगा। अरे रमी ये सब क्या लाए हो? अरे वो भी रात को ना मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो वैसे ही कुछ खाने पीने का सामान लाया उनके लिए। दोस्त घर पर आ रहे हैं? तो क्या हो गया, हम कुछ खा पी लेंगे बैठेंगे साथ में। रमी आप अपने दोस्तों से ना बाहर ही मिल लिया करो। पर क्यों? अरे बाहर जाओगे तो कम से कम पूरा बिल आपस में डिवाइड तो हो जाएगा, अब घर आए लोगों से उनसे कैसे पैसे मांग ले की खाने के पैसे दो। वाह ऐसा करो तुम तो, तुम कहती हो तो आने देते हैं उनको, तो मैं एक बिल बना के दे दूंगा उनको। ये बहुत अच्छा बोला आपने, ऐसे ही करना, ऐसे ही करते हैं रमी, हाँ ऐसे ही करेंगे। अरे तुम जाओ यार अपना काम करो, जाके तैयारी करो, मेरे दोस्त आ रहे हैं। अच्छा ये तो बताओ ये लाए क्या हो? अरे मेरे तीन दोस्त आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा खा लेंगे हम लोग सारे, एंजॉय करेंगे। आप इतने महंगे महंगे बड़े बड़े डिब्बे क्यों लाए हो? अगर देना ही है खाना ही है तो छोटी पैकिंग लाओ ना। ये क्या इतने बड़े बड़े डिब्बे, इतना बड़ा डिब्बा, माय गॉड। 100 ग्राम 200 ग्राम की पैकिंग लानी थी। मैं ऐसा करती हूँ मैं ना ये वापस करके ना छोटी पैकिंग लेकर आती हूँ। तो ऐसा करो ना एक एक पीस लाएंगे, जैसे ही घर में आएगा उसके मुँह में एक पीस डाल देंगे। पता नहीं क्या बातें करती हो तुम तो यार। रमनीक आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपके घर में शादी है, बड़े बड़े डिब्बे बांटते फिर रहे हो सबको। अरे यार मेरे दोस्तों ने इतने टाइम बाद आ रहे हैं, हम लोग बैठेंगे एंजॉय करेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? अरे मैंने कब मना किया एंजॉय मत करो, पार्टी मत करो, मैं तो कह रही हूँ करो मगर छोटी छोटी पैकिंग में करो, छोटी छोटी। अरे लेकिन इस टाइम कहाँ पे तुम्हें कोई एक्सचेंज करेगा, नहीं करते हैं वो लोग ऐसे एक्सचेंज। रमनीक मैं हूँ ना वो एक्सचेंज कर लेगा, पिछली बारी नीलम ने भी मुझे ना इसी शॉप का सामान दिया था, मैं तो वो शॉप से सामान बदलवा के पैसे ही वापस ले आई थी। मैं चाहती हूँ जो करना है करो, तुम महान हो, मेरी समझ से बाहर हो तुम। मैं फटाफट जाके आती हूँ। अच्छा सुनो बाहर बहुत धूप है, कोई टैक्सी या कैब कर ले। मुझे मत बताओ क्या करना है, कहाँ यहाँ तक जाना नहीं, कैब कर लेना, मैं आती हूँ। जो करना है करो यार, जाओ और जल्दी आना, तैयारी भी करनी है। मैं आती हूँ बस। 1 hour later अरे कहाँ रह गई है यार, 1 घंटे से ऊपर हो गया इसको गए हुए, सब मेरे दोस्त आते होंगे, इसने पक्का कैब नहीं करी होगी, रिक्शे पे गई होगी ये पैसे बचाने के लिए। लेकिन फिर भी यार 1 घंटे से ऊपर हो गया, इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। कहाँ रह गए यार ये सब आते ही होंगे मेरे दोस्त, फोन भी तो नहीं उठा रही। घंटी बजी है, पुनीत ही आई होगी। अरे तुम कहाँ रह गई थी पुनीत, तुम कहाँ रह गई थी? पुनीत क्या हुआ पुनीत, पुनीत अरे पुनीत पुनीत, अरे अरे मम्मा को क्या हो गया? पता नहीं बेटा बाहर से आई है अभी और आगे बेहोश हो गई है। मैं पानी लेकर आती हूँ, ये लो ये लो। मम्मा मम्मा उठ उठो, ये सब इसकी कंजूसी की वजह से हुआ है। क्या हो गया पुनीत, क्या हो गया तुम्हें, ठीक तो हो? ठीक हूँ रमनीक, मैं ठीक हूँ। तो ये कैसे हो गया? अरे तुमने कैब नहीं करी थी क्या, कोई रिक्शा ही कर लेती कम से कम। बताओ ना मम्मा क्या हुआ? अरे
रमनी का आपको क्या बताऊं, मैंने रिक्शा रोका था हाँ, और उसने मुझसे 40 रुपए मांगे, घर हमारा बिल्कुल सामने, मैंने उसको 10 रुपए बोला, 15 बोला, 20 बोला, वो 30 पे आके भी रुक गया। अरे तो 30 में ही आ जाती, इतना कौन सी आफत आ गई थी। अरे ऐसे कैसे उसको 30 रुपए दे दूं जब बात ही सिर्फ 20 रुपए की बनती है, मैं तो फिर पैदल ही आ गई। अरे वो तो ठीक है, बट पैदल आने में तुम्हें 2 घंटे क्यों लगे, इतनी देर से मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारी। रमनी बाहर इतनी धूप थी, मैं बार बार पेड़ की छाया में खड़ी हो रही थी, धूप लग रही थी, तो फिर मेरे को टाइम तो लगेगा ही ना। हे भगवान, तुमने 20 रुपए बचाने के चक्कर में इतनी धूप के अंदर बेहोश हो गई, तुम्हें वो चलेगा लेकिन 20 रुपए ना चले, तुम्हारी कंजूसी की भी हद होती है पुनीत। खैर छोड़ो ये सब, तुमने वो सामान एक्सचेंज करा लिया। मेरा सामान भी एक्सचेंज हो गया रमनी, और पता है मैंने ना उससे 20 रुपए भी वापस ले लिए, और ना उस टाइम बहुत भूख लग रही थी, मैंने उसको बोला भैया टेस्ट कराना, सारा टेस्ट कराना, करते करते मैंने 4 पीस भी खा लिए वहां से। इसका कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो खैर, उठो फटाफट से अपना पानी वानी पियो और रात की तैयारी करो, चलो उठो चलो। कुछ सस्ता सा बना दूं ना। अरे सस्ता नहीं, अच्छा बनाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहता हूँ, तुम ऐसा करो इडली सांभर बना लो। इडली सांभर, आपको आइडिया भी है, पता कितना महंगा पड़ेगा इडली सांभर। हे भगवान, चलो बनाओ जल्दी, मैं जा रहा हूँ। इडली सांबर का फरमान आया है, बना देती हूँ। फिर मैं ऐसा करती हूँ, ज्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, अब बना ही रही हूँ तो 4-5 दिन तो चले। The next day. मम्मा, हमें ना पार्क जाना है, तो हमें वाटर बॉटल दे दो। हाँ बेटा रुको, मैं लेकर आती हूँ। ले लो बेटा, सियान की भी ले लो। मम्मा ये तो खाली है। हाँ बेटा, वहाँ पर फिल्टर लगाओ हमारे गार्डन में, वहाँ के टैंक से भर लेना, ठीक है? और ऐसा करो, रुको रुको मैं आ रही हूँ। ऐसा करो, ये बॉटल्स भी भर के लाना वहाँ से, घर का पानी बचेगा, वहाँ का तो साफ पानी है। जाओ जाओ जाओ, बाय बाय बच्चों। Later. अरे खाने में क्या बना रही हो पुनीत आज? बनाना क्या है रमनी, कल का इतना सांबर बचा होगा ना, मैं उसके साथ ही चावल बना देती हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या किया तुमने, ये क्यों इतनी सारी बोतलें क्यों लेकर आए हो? वो मम्मा ने कहा था कि पाप के फिल्टर से बॉटल्स भर आना, तो हम भर आए। और पापा आप ये बॉटल्स पकड़ो, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हाँ। अरे पुनीत ये सब क्या है? अरे रमनीत तू क्या हो गया, मैंने कुछ चोरी करने थोड़ा ना भेजा था, पानी तो भरने भेजा था, आप भी ना। ये तुम्हारी कंजूसी ना एक दिन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, देख लेना तुम। अरे पुनीत ये क्या है, कितनी बार कहा है कि मेरे कपड़े धो दिया करो ढंग से। रमनीत ये धुली हुई है। ये धुली हुई है, तुम्हें कितनी बार ही बोला है कि मेरे कपड़े ढंग से धो दिया करो, तुम्हारे धुले हुए कपड़ों में से भी बदबू आती है, कभी आज तक ये कपड़े प्रेस नहीं हुए, ढंग से साबुन नहीं लगता इन पे। आपको पता साबुन का भाव क्या है, पता कितना महंगा आता है, पिछले महीने तो उसका रेट भी बढ़ गया। आप बातें करते हो, प्रेस नहीं किया, अरे हैंगर में टांग दो अपने आप प्रेस हो जाता है, प्रेस करने की क्या जरूरत है। आप बिना तो ऐसा करो, कपड़े धोना ही बंद कर दो, प्रेस करना बंद कर दो, साबुन लाना बंद कर दो, साबुन लगाना बंद कर दो। सच में इसमें इतना मुंह बनाने वाली कौन सी बात थी, बताओ जरा, साफ तो है शर्ट, ऐसे बोलते रहते हैं, आदत ही पड़ गई है इनको बोलने की। The next day. मम्मा आज खाने में क्या है? बेटा आज खाने में है सांबर विद पराठा। पुनीत तुमने पार्टी में कितना सांबर बना दिया, तो इतने दिन तक सांबर ही चले जा रहा है। बस आज लास्ट है। मम्मा मैं तो बोर हो गई हूँ रोज सांबर खा खा कर, और मेरी तो तबीयत ही खराब हो रही है सांबर खा खा कर। अरे ओ शनाया, शनाया लेट है।
फूड पॉइजनिंग हो गई है इसे। क्या? इतने दिनों से सेम खाना खा खा कर पता नहीं वो बासा था कैसा था, फूड पॉइजनिंग हो गई है इसको। मैंने कहा था ना एक दिन तुम्हारी कंजूसी बहुत महंगी पड़ेगी। एक तो बेचारे की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, ऊपर से डॉक्टर ने इतनी लंबी महंगी महंगी लिस्ट बना के दी है दवाइयों की। क्या पुनीत, पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कंजूसी, इतनी कंजूसी किस बात के लिए? तुम अपने आप को देखो, उस दिन तो तुम्हारी खुद की तबीयत खराब हो गई थी, अनन्या बेहोश हो गई थी, और आज शनाया को देखो, इसकी तबीयत खराब हो गई है, बेचारी दवाइयां खा रही है। I'm so sorry यार, बचत करने के चक्कर में ना मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। ये हुई ना बात। I'm sorry बच्चों। It's okay मम्मा। चलो शुक्र है, इसी खुशी में आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। रुको रमी, मैं पिछली गली वाली से करती हूँ, वो उसको वहाँ ना एक के साथ एक फ्री आइसक्रीम मिल रही है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। ठंड आ गई रे, वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीक सिंह मंत्री मंत्री पे। क्या ठंडी आपकी फेवरेट है कि नहीं? वीडियो देखने के लिए क्लिक किया, क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छी ठंडी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।